हेलो गाइस, इट इज बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ MP40 और प्लस शॉटगन के फाइव टिप्स जो MP40 तीन टिप्स होंगी शॉटगन के लिए और दो टिप्स होंगी MP40 और SMG प्लेयर्स के लिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपनी शॉटगन टिप्स के लिए। जब भी आपके सामने बंदा आए, आप बैठ के सीधा बैठ सकते तो आपका एक हेड भी लग जाएगा और आपका अच्छा खासा डैमेज भी आ जाएगा। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, थोड़ा रिकॉर्डर लैग कर रहा है, कोई नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा गाइस, जब मैं बैठूँगा उन मेरे को ना पैर के पास अपना पहली एम ले जाना है, बैठते पैर के पास फिर हेड लगेंगे। तो ये टिप्स के बाद फिर नेक्स्ट टिप पर आते हैं जो हमारी M10 शॉटगन के लिए। मैं इस वीडियो में मैक 7 का नहीं बताऊंगा, सिर्फ M10 स्पास और M1887। जब आप अपनी ये चला रहे हो M10 चलाते वक्त आपको ये ध्यान रखना कि आपको अपनी चेस्ट के पास नहीं एम रखनी। चेस्ट के पास रखोगे तो हम जल्दी नहीं लगेंगे, जैसे कि आप देखो चेस्ट के पास रख रहा हूँ, एम नहीं लगा। और अगर आप थोड़े मिड प्लेयर हो तो प्लीज़ MP40 को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि शॉटगन जो है अपना M10 वो ज़्यादा लॉन्ग रेंज में चलते नहीं। अगर आपके पास रेंज की स्किन है तो आप चला सकते हो अच्छे से, जैसे कि अब मैं बैठ चुका हूँ ठीक रेंज में, तो फिर मैं तुरंत ऊपर फायर करूँगा, मेरा हेड नहीं लगा। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ क्यों नहीं लगा, क्योंकि मेरा एम यहाँ पे था नीचे, और जब अगर आप बैठे हो और आपका एम ऊपर होगा तो थोड़ा सा ड्रैग करते ही आपके हेड लगेंगे। ये हो गई हमारी M10 के लिए। अब हम बताएंगे स्पास के लिए। स्पास की जो है सेम ही M10 जैसी है, पर स्पास में थोड़ा सा रेंज ज़्यादा है, कम कर सकते हैं। जैसे कि स्पास से आ गए हम, स्पास में हमको इसके लोअर बॉडी और अपने चेस्ट लेवल के पास ही रखना है, मतलब जहाँ पर उसकी गन पकड़ते हैं वहाँ। और जैसे आप वहाँ पे एम करोगे और आपको थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट रेंज में तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा, और अगर आप लॉन्ग रेंज में तो आप मान लो कि आप इतने डिस्टेंस पे हो तो आपको सीधा ट्रैक करना है, तो इससे हड भी चिपक जाएंगे और आपके अगर बॉडी भी लगता है तो कोई बात नहीं है। और वैसे भी बॉडी और हेडशॉट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप स्पोर्ट्स देखते हो तो आपको पता ही होगा। तो अब बताते हैं MP40 की ट्रिक। अब MP40 जब भी आप चला रहे हो आपको अपने बंदे के चेस्ट के हाथ ये जो कोलर बोन है कोलर बोन के पास रखना है अपना ही। जैसे कि कुछ बंदे वन टैप तो देखो जैसे मैं ऐसे जंप करके मारता हूँ, जैसे ही मैं जंप करता हूँ मेरा हाथ मैं तुरंत ड्रैग कर देता हूँ जब मेरा हाथ के पास एम रहता है, जिससे हेड लग जाते हैं। सीधा हेड लगता है, और अगर आपका बॉडी भी लगता है तो कोई बात नहीं, इतना चलता है। फिर अब हम बताते हैं टॉमी के लिए। टॉमी गन बोलते हैं इसको पबजी में, तो इसलिए मैं इसको फ्री फायर में भी टॉमी गन ही बोलता हूँ। तो अब देखो टॉमी गन जब भी आप चला रहे हो आपको ना ही चेस्ट के पास रखना है, ना ही लेग्स के पास रखना है, ना ही उसके पाँव के पास रखना है, आपको सीधा उसके हेड पे ले जाना है। अगर बाय चांस आपका यहाँ तक रहता है ना यहाँ तक, ये भी ठीक है, तुरंत आपके थोड़ा सा ड्रैग करने पे ही हेड लग जाएंगे। और अब मैं बताता हूँ आपको MP5 की टिप्स। एक आपके पास चाहे कोई भी स्किन ना हो गन्स की, बट आपको ड्रैग करना आना चाहिए, जिससे आपके बहुत अच्छे से हेड लग जाएंगे। अब जैसे ही आप MP5 चलाते हो, MP5 के लिए अगर आप मतलब मिड रेंज में, मान लो कि मैं यहाँ पे और बंदा है करीबन वहाँ पे, तो मैं स्कोपिंग करके मारना है मेरे को, ना कि मेरे को ऐसे ही ड्रैग कर देना है। ऐसे थोड़ा सा एम मिस, वो बहुत सारा एम मिस भी हो सकता है और अपना कुछ आपके ज़्यादा हेड भी नहीं लगेंगे और ना ही आप उसको मार पाओगे इजीली, वो आपको मार देगा। तो आपको उसका टिप क्या फॉलो करना है, आपको हमेशा स्कोप इन करके रखना है, और स्कोप इन करते ही थोड़ा सा ड्रैग, तुरंत आपके हेड लग जाएंगे।
अब फिर मैं बताता हूँ शॉर्ट रेंज के लिए। जब आप MP5 शॉर्ट रेंज में चलाते हो आपको ज़्यादा जंप नहीं करना, जैसे तो देखो मेरा हड्डी नहीं लगता, और अगर मैं नॉर्मल है नॉर्मल मारूँगा हेड लग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई, तीन टिप्स ही हो गई है, इन टोटल 6 टिप्स। और मैं आपको लास्ट टिप बता देता हूँ एक और, हर गन ये हर गन के लिए सिर्फ डेजर्ट के लिए नहीं है, डेजर्ट मैंने आपको सिर्फ शो करने के लिए लिया। जब भी आप मतलब बंदे को मार रहे हो आप ना, जैसे ही रेड कर्सर आता है अगर वो आपके बहुत पास है तो बहुत सारा अटैक करो, और अगर आपके खूब डिस्टेंस पे है तो आप उसको सीधा रुको, ये तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इसलिए लग नहीं रहा, तो मैं ऐसा अरे शूटिंग प्रैक्टिस क्या हो गया, कोई नहीं हम यहाँ से ही मार देंगे, यहाँ खूब सारे रेंज हो चुका है। और जैसे अगर आप रिमोट शॉट मारने चाहते हो आपके पास ये है, वन फिंगर वाला होना चाहिए और आप तुरंत हेड मार सकते हो। देखा मैंने थोड़े से ट्राई करा और तुरंत हेड लग गया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ जिन बंदों को लगा रुको। अरे चलना यार रिमोट देखो लग चुका है। बस गाइज आज के लिए इतनी ही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है तो गाइज बता देना, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाय गाइज, एडीवी इज लीविंग।